नमस्कार दोस्तों। दोस्तों यदि आपके पास भी ऐसा कोई मोबाइल आया है जिसमें माइक का प्रॉब्लम है, आवाज़ दूसरी साइड नहीं जा रहा है, तो आपको ना माइक बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही जो माइक वाला बोर्ड रहता है जिस पे माइक लगा होता है, ना उसको बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। आप यह वीडियो एंड तक देखिए, आपकी समस्या का समाधान इसी वीडियो में हो जाएगा। तो मेरे पास रेडमी का मोबाइल आया है जिसका मॉडल नंबर है A1। तो आपके पास कोई भी मोबाइल हो, सभी मोबाइल के ऊपर यह ट्रिक काम करेगी। तो यह मोबाइल गिरा हुआ था, इसमें मैंने अभी फोल्डर डाला है। तो फोल्डर डालने के बाद मैंने इसमें सिम डाला तो आवाज़ बिल्कुल भी दूसरी साइड नहीं जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका वीडियो बनाया जाए और आप लोगों के साथ इसको साझा किया जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर कॉल किया तो आवाज़ बिल्कुल भी दूसरी साइड नहीं जा रहा है। या मैंने कॉल उठा हेलो, दिया हेलो, आवाज़ हेलो, नहीं जा हेलो, रहा हेलो, है हेलो, माइक टेस्टिंग, जैसे ही हेलो, मैं इसमें ट्वीज़र लगाऊंगा, ट्वीज़र का मैं एक सिरा जो माइक का आउटर शेल है उसके ऊपर रखूंगा और दूसरा हेलो, ग्राउंड करूंगा। हेलो, तो देखिए आवाज़ हेलो जा हेलो, रहा हेलो, है आपको सुनाई दे रहा होगा, आवाज़ दूसरे मोबाइल में जा रहा है। तो अब हम एक छोटा सा काम करेंगे, एक जंपर वायर का टुकड़ा लेंगे, उसका एक सिरा ग्राउंड करेंगे और दूसरा सिरा जो माइक का आउटर शेल है उसके ऊपर कहीं भी हम शोल्डर कर देंगे। तो देखिए वीडियो में मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने ये जंपर वायर लिया है, एक छोटा सा टुकड़ा, और ये मेरे पास एक सोल्डरिंग आयरन है। तो मैं पहले जो माइक है उसका आउटर शेल है उसके ऊपर शोल्डर लगा के इसको यहाँ फिक्स कर लेता हूँ, और ये जो दूसरा सिरा है जंपर वायर का उसको मैं ग्राउंड कर लूँगा। आप भी इसको ग्राउंड कर लीजिए जहाँ पे आपको जगह दिखे और थोड़ा मजबूती से उसको आपने ग्राउंड करना है ताकि जंपर वायर ना निकल पाए। ये देखिए मैंने इसको ग्राउंड कर दिया, अब हमारा माइक काम करेगा कि नहीं इस पे मैं अब कॉल करूँगा और इसको चेक करूँगा कि यह ट्रिक हमारी काम की कर गई या नहीं। तो मैं अभी इसके ऊपर कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कॉल आ गई है, अब मैं इसको अटेंड करूँगा। तो ये देखिए आवाज़ बिल्कुल दूसरी साइड जा रहा है। हेलो, तो हेलो हेलो, इसका मतलब यह हुआ कि यह ट्रिक हमारी काम कर गई। दोस्तों आपके पास भी यदि ऐसा कोई मोबाइल आए तो आप भी इस ट्रिक का यूज़ करके मोबाइल को ठीक कर सकते हो, ना ही आपको माइक वाला बोर्ड बदलने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही माइक बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।